अपने हाथों को नमस्कार अपने हाथों की नमस्कार मुद्रा बनाएं। आंखों को धीरे धीरे बंद करते हुए मेरे साथ बोलें, शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करते हुए धीरे से अपने चेहरे के पास लेके आए और धीरे धीरे करके आंखों को ओपन करें। प्रतिज्ञा करते हैं, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि इस वर्ष योगा नेट JRF पेपर क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि इस वर्ष योगा नेट JRF पेपर क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि इस वर्ष मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। ओम शांति शांति। हाँ जी, अच्छा आप ये बताओ, जो फर्स्ट चैप्टर हमने किया है उसके अंदर किस किस को क्या क्या प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में फटाफट अपनी प्रॉब्लम्स को मेंशन करें। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सिर्फ बोलें कि नो, समझ आ चुका है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, हमें रीडिंग लेनी है, ठीक है? अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को लिख दें कि इस टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम है, मेरे को टॉपिक का नाम लिख दें सिर्फ, ठीक है? और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप नो मेंशन करें, फटाफट कमेंट बॉक्स में मेरे को टाइप करके बताएं। आज हमारी क्लास हमने रिवीजन के लिए रखी है, रिवीजन नहीं हुआ मैम। हाँ जी हाँ जी, हाँ ठीक है, ऊपर ऊपर से रिवीजन करवानी है। हाँ रिवीजन ही करेंगे आज हम, रिवीजन के लिए मैंने एक क्लास रखी है। देखो सबसे पहले कॉपी पेन उठाओ आप अपनी, फिर उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ। पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवाती हूँ आपको। फर्स्ट चैप्टर कॉपी पेन में लिखो, टीचिंग एप्टीट्यूड चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है? सबसे पहले चैप्टर वन के अंदर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। नंबर वन, लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है? लेवल ऑफ टीचिंग के ब्रैकेट में लिख लो टेबल। नंबर टू, ब्लूम्स क्लासिफिकेशन, सेकेंड पॉइंट पे लिखो ब्लूम्स क्लासिफिकेशन। नंबर थ्री, नंबर थ्री पे मेंशन करो क्या था आपका, कंडीशनिंग ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्रिनेशन। शॉर्ट फॉर्म लिख लो, कंडीशनिंग सी लिख दो, इंस्ट्रक्शन नहीं ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के लिए टी लिख दो, फिर इंस्ट्रक्शन आई, इंडोक्ट्रिनेशन के लिए भी आई एन लिख दो, ठीक है? थर्ड नंबर पे ये आते हैं। फोर्थ नंबर पे वेरिएबल, तीन वेरिएबल है आपके, वेरिएबल के फंक्शन, ठीक है? फंक्शन ऑफ वेरिएबल फोर्थ नंबर पे। मैम, ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट और हाँ हाँ वही हाँ है ये ना मैम? इंटरवेनिंग, हाँ इनके जो फंक्शन थे, डायग्नोस्टिक फंक्शन, प्रिस्क्राइब है ना करना, इवेलुएट करना। हाँ जी। फिफ्थ नंबर पे लिखो जो भी आपके जैसे मैक्सिमा हो गए टीचिंग के, या नेचर या करेक्टरिस्टिक्स हो गए, फिफ्थ नंबर पे इनको मेंशन कर दो कि नेचर, करेक्टरिस्टिक, मैक्सिमा। अब ये सीरीज वाइज मैंने इसलिए बताया क्योंकि इनमें सीरीज वाइज ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा चांस क्वेश्चन के कहाँ से है, लेवल ऑफ टीचिंग, ब्लूम क्लासिफिकेशन, यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका पेपर में। थर्ड लेवल पे आपको इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इंडोक्ट्रिनेशन, इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। फोर्थ आपसे पूछ लिया जाएगा क्या, फोर्थ पे मैंने क्या लिखवाया है, फंक्शन लिखवाया, टीचिंग के फंक्शन है ना, वेरिएबल्स के, वेरिएबल के जो डायग्नोस्टिक, और वो वहां से पूछ लिया जाएगा आपको। फिफ्थ पे आपके जो भी नेचर रह गए और जो भी आपके मैक्सिमा है, कॉमा है, मैम मैम एक बार और रिवाइज कर दीजिए, बहुत तेजी में चल रहे हैं आप। अच्छा ठीक अच्छा है ठीक है राधिका जी, राधिका जी, मैं मैम बड़ा आराम बड़ा आराम से, आराम आराम से। फर्स्ट अच्छा पेपर वैसे ही दिमाग में बिल्कुल नहीं रहता मैम, मेरा तो 2 बार फर्स्ट पेपर से ही नेट रहा।
कोई नहीं कोई राधिका नहीं जी, राधिका आपकी जी, बार। आपके पास हाँ आवाज नहीं आ रही है मैम। हाँ मैम आपका आपका फोन फोन। अच्छा, म्यूट म्यूट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक कहाँ है, मेरा मेरा म्यूट है, म्यूट होगा। समझ नहीं आया मैम। राधिका जी राधिका आप जी अपना आप माइक अपना ऑफ माइक करें। ऑफ हाँ करें। जी, मैं ये बोल रही हूँ कि टेंशन, अब की बार ये हम टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके फर्स्ट पेपर में कोई कमी ना रहे। अगर आपके फर्स्ट पेपर में कोई कमी रहती है ना, तो डायरेक्ट आप हमारे पास मैसेज करना। बस अब की बार कमी नहीं रखेंगे। दो बार आपके फर्स्ट पेपर में रह चुके हैं, लेकिन अब की बार नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहला फर्स्ट नंबर पे टॉपिक आपको क्या लिखना है, लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग। सेकंड पे ब्लूम्स क्लासिफिकेशन। थर्ड पे कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन। ठीक है, इनके शॉर्ट फॉर्म लिख लेना। मैम फोर्थ नंबर। कंडीशन, हाँ हाँ जी राधिका जी जी, क्या राधिका बोल जी रहे क्या हो? बोल रहे हो? कंडीशन, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन। मैम मैम मैं बताऊं बताऊं फोर्थ और फोर्थ और फिफ्थ फिफ्थ का? का? हाँ, एक बार हाँ आप एक बार आप जी माइक ऑफ माइक ऑफ करें। करें। जी मैम, फोर्थ। हाँ जी उषा जी, आप बोलो, क्या बोल रहे थे? फोर्थ नंबर पर है वेरिएबल्स के फंक्शंस। तो हाँ जी, वेरिएबल्स में इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंटरवीनिंग, ये तीन बताए थे मैम ने। उसके बाद में पांचवें नंबर पर है मैक्सिमा, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। हाँ जी उषा जी, बिल्कुल यही हमें लिखना है। ठीक है, उसके अलावा कोई टॉपिक अगर आपका रहता है फर्स्ट चैप्टर में, मेरे को एक बार याद दिलवाना। मैक्सिमम यही थे हमारे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो जो लेवल है क्वेश्चनों का, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग से, लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर जो आपकी टेबल, मैंने एक ना बड़ी सी टेबल थी, उस टेबल को बड़े अच्छे से करना आप। ठीक है, उस टेबल में से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, वो टेबल ही कर लोगे तो आपका हो जाएगा। ब्लूम्स क्लासिफिकेशन में तीनों के नाम, उनकी सीरीज, जो उनके स्टेप है वो स्टेप आपको याद रखने हैं। ठीक है, सीरीज वाइज लोअर लेवल से अपर लेवल की तरफ जाते हैं हम। ठीक है, मैं भी करवाऊंगी रिवीजन, पीपीटी से करेंगे हम एक बार, हमने क्या क्या पढ़ा है। फिर हमने बात की, बस सिर्फ आपको मैंने आपको डिटेल में करवाया है, बहुत ज़्यादा समझाने के लिए। पेपर में इतनी डिटेल से क्वेश्चन नहीं आएगा। पेपर में आपको क्या करना है, सिर्फ जैसे मान लो लेवल ऑफ टीचिंग है, आपको ये याद रखना है कि लेवल ऑफ टीचिंग थ्री टाइप के होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। मेमोरी लेवल पे क्या होता है, बच्चों के लिए होता है, थॉटलेस लेवल होता है, रट्टा मारते हैं। टीचर इस पे ज़्यादा, टीचर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट, टीचर इंडिपेंडेंट होता है, स्टूडेंट टीचर पे डिपेंड करते हैं, जो बेसिक बेसिक बातें हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे मेमोरी लेवल से अपर होता है, इसमें हम समझने का काम करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं। ठीक है, ये थॉटलेस से थोड़ा ज़्यादा है, इसमें हम थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि लेवल दिए किस किसने थे। वहाँ पे मैंने तीन नाम लिखवाया है, फर्स्ट लेवल मॉरिसन, हर्बर्ट और किसने दिया था लास्ट, हंट। एक बार ये सीरीज चेक कर लेना, मेरे को एग्जैक्टली सही मैं बोल रही हूँ क्या नहीं, आप एक बार चेक कर लेना, पहले मॉरिसन ही है या हर्बर्ट है। पहले वैसे मॉरिसन ही होगा। हर्बर्ट है मैम, हर्बर्ट अच्छा, मॉरिसन हर्बर्ट है। जी मैम। हाँ ठीक है, फिर पहले हर्बर्ट आएगा, फिर मॉरिसन आएगा, एंड फिर देन क्या आएगा, हंट आएगा। ठीक है, तो वो टेबल बड़े अच्छे से करनी है, कुछ नहीं। रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है, बिल्कुल अपर लेवल पे, जहाँ पे आपको क्रिटिकली सोचना है। हाँ जी, तो ये था हमारा, मतलब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ब्लूम क्लासिफिकेशन है, ब्लूम क्लासिफिकेशन में आपको जो उनकी टर्म्स है ना, उनका मतलब पता होना चाहिए। जैसे कॉग्निटिव के अंदर इंटेक्चुअल लेवल आता है, ठीक है, अफेक्टिव के अंदर फीलिंग्स आते हैं, इमोशन आते हैं, मन वाले जो काम हम करते हैं, मन से सोच के जो करते हैं, और साइकोमोटर में आपकी स्किल्स आ जाती है सारी की सारी। फिर उनके जो लेवल थे, जैसे पहले नॉलेज लेवल आएगा, कंप्रिहेंशन आएगा, मतलब अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद जो भी सीरीज थी, ये सीरीज में इनके मतलब, और इनको बस एक सीरीज वाइज याद रखना है और कुछ नहीं करना इससे ज्यादा। आपको ट्रेनिंग कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें आती है,
इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है और इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब क्या होता है, ये सिर्फ आपको याद रखना है, ठीक है। फिर करेक्टरिस्टिक्स और मैक्सिमा, ये तो सिर्फ पढ़ोगे तो आप अपने आप ही, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ ये है फर्स्ट चैप्टर के अंदर। देखो हमने फर्स्ट चैप्टर को कितने दिनों में कवर किया, 6-7 दिन, हमने 7-8 दिन फर्स्ट चैप्टर पे लगाए, और अभी 2 मिनट में हम फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक्स हमने देख लिए। क्या टॉपिक थे? लेवल ऑफ टीचिंग, ब्लूम्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर क्या थे आपके? वेरिएबल के फंक्शन, डायग्नोस्टिक फंक्शन, डायग्नोस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सब मतलब जानना है आपको कि डायग्नोस्टिक का मतलब क्या है, डायग्नोस के अंदर हम क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। बाकी जब आप पेपर में जाओगे ना तो एज ए टीचर सोचोगे तो आपको समझ आ जाएगा डायग्नोस में, एक टीचर बच्चे को जानने के लिए क्या क्या करेगा, है ना। फिर प्रिस्क्राइब करेगा, भाई हम उसको एडवाइस देंगे कि बता अब मैंने तेरे को पहचान लिया, समझ लिया, अब तेरे को ये सब चीजें करनी है। इवेल्युएशन के अंदर हम ये देखेंगे कि जो मैंने उसको बताया है, जो एडवाइस दी या जो भी उसको मोटिवेट किया, क्या उसका उसके ऊपर असर हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। सिर्फ इतना, मैक्सिमा मिनिमा और फिर ट्रेनिंग, ये तो हो जाएगा आपका, मैक्सिमा मिनिमा हो गए, ठीक है। नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स हो गए, ये तो बेसिक थे भी, नेचर क्या है टीचिंग के, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये बस देखो। फर्स्ट चैप्टर कितना छोटा सा है, एक दिन आपको बहुत बड़ा लगा, वो बड़ा इसलिए लगा क्योंकि हमने टॉपिक को बड़े डिटेल में पढ़ा, समझा, लेकिन अगर पेपर के पॉइंट से देखोगे तो बस आपको इनका बेसिक करना है और इनके मतलब पता होने चाहिए। जैसे ही आपको इनके मतलब पता होंगे ना, कॉग्निटिव, जो जहाँ पे कॉग्निटिव वर्ड आ गया वहां पे आपको समझ लेना है कि ये ब्रेन की बात कर रहा है, बुद्धि की बात कर रहा है, इंटेक्चुअल लेवल पे बात कर रहा है, ठीक है। और कॉग्निटिव जहाँ पे आ गया, आप ब्लूम्स के जितने भी वो 5-6 स्टेप थे ना, वो 6 स्टेप माइंड में आ जाएंगे आपके। अफेक्टिव आ जाता है कहीं पे, अफेक्टिव डोमेन लिखा मिलेगा, या अफेक्टिव के साथ कोई और वर्ड लिखा मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ पे अफेक्टिव आ गया वहां पे आप अपनी फीलिंग्स को ले लेना, इमोशन को ले लेना। जहाँ पे साइको मोटर आ जाता है या स्किल भी आ जाता है, स्किल आ गया तो साइको मोटर है तो स्किल, ठीक है। ऐसी मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल की वो टेबल है, बस वो करना है हमें। अभी हम उसको एक बार पीपीटी के थ्रू थोड़ा सा मोटा मोटा रिवाइज कर लेंगे कि इसके अंदर है क्या क्या चीजें, ठीक है। अभी देखो, अब आपको समझ आया कि फर्स्ट चैप्टर कितना हमने डीपली पढ़ा था और उसको हमने कितने 4-5 टॉपिक्स में कन्वर्ट कर दिया, छोटे छोटे टॉपिक्स में, है ना। तो कितना आसान हो जाता है ऐसे करना। तो मैं अभी आपको ना पीपीटी शेयर करती हूँ एक बार हम। हाँ जी, आप लाइब्रेरी के अंदर है, बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैम, जैसे आपने तो छोटे हम छोटे टॉपिक में डिवाइड कर दो, यही एनालिटिक वाले प्रोसेस में आ जाएगा ना, फिर आप इकट्ठे समझाओगे तो सिंथेसिस वाले में आ जाएगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, देखा, मैं बस यही चाहती थी कि आप लोग ना ऐसे अपनी जो रेगुलर रूटीन के काम करते हो आप वहां पे अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड का लगा दो। अब मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप कहीं किचन में काम कर रहे हो या कहीं बाहर कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ये तो मैं अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल पे काम कर रही हूँ, या ये मैं रिफ्लेक्टिव लेवल पे काम कर रही हूँ, मैं इतना डीप सोच रही हूँ, ये मेरा रिफ्लेक्टिव लेवल है ना। मैं कॉग्निटिव लेवल पे काम कर रही हूँ अभी, या कोई मैं कुछ खाना बना रही हूँ उसके लिए, कुछ भी तरीके की, मैं साइको मोटर पे। इस तरीके से करोगे तो फिर ये कभी नहीं जाने वाला, कभी नहीं भूल सकते, लाइफ टाइम याद रहेगा आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक, ठीक है। मैं अपने स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप स्क्रीन से देखना एक बार, और थोड़ा रिवाइज करते हैं फटाफट टॉपिक्स क्या थे हमारे, और फिर करते हैं। मैम, इसमें फेजेस ऑफ टीचिंग नहीं होगा क्या? प्री प्री इंटरैक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। हाँ, रश्मि जी वो तो रह गया, ये भी है फेज ऑफ टीचिंग, ये अपना उसके अंदर कर लो। फेज ऑफ टीचिंग जहाँ पे हमने डिपेंडेंट वेरिएबल किया था ना, उसी के बराबर में लिख लो। यहाँ से भी ये फोर्थ नंबर पे आते हैं, नियरली फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन यहाँ से पूछने के चांस होते हैं। सबसे ज्यादा चांस तो आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ब्लूम्स और रिफ्लेक्टिव लेवल का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। और अगर पेपर को थोड़ा टफ बनाना है तो पेपर को टफ बनाने के लिए आपका ट्रेनिंग में से, इंडोक्ट्रिनेशन में से, क्योंकि ये जो मैंने टॉपिक आपको करवाया ना, टीचिंग के, ट्रेनिंग के और कंडीशनिंग और इंडोक्ट्रिनेशन, ये किसी भी बुक में गिवन नहीं है अभी तक, किसी बुक्स के अंदर ये डाला नहीं गया ये टॉपिक, ठीक है। और यूजीसी अभी वही काम कर रहा है कि जो बुक्स के अंदर नहीं डाले गए टॉपिक है उन टॉपिक्स को सिलेबस के अंदर मेंशन कर रहे हैं। अब जैसे बुक्स के अंदर ना आपकी थ्योरी नहीं गिवन, लेकिन थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको थर्ड नंबर पर रखो, यहाँ से भी क्वेश्चन पुट आउट हो सकता है। और जो वो है, अब जब ये चैप्टर आप फर्स्ट कर रहे हो ना, तो सबका मतलब ओवरऑल ना सेम निकल रहा है, सबका एक जैसा है, डायग्नोस करना और जो फेज ऑफ टीचिंग थे कि भी हम पहले किस फेज पे जाते हैं, लगभग ये सेम है। डायग्नोस करना और जो फेज ऑफ टीचिंग का फर्स्ट फेज है, ये दोनों सेम एक दूसरे से रिलेट करते हैं, बस नाम नाम अलग है इनके, डायग्नोस करना वो करना। तो इसलिए बड़ा आसान चैप्टर रह जाएगा ये, बहुत आसान है। एक बार हम पीपीटी देखते हैं एंड देन रिवाइज करते हैं। चैप्टर 1 के अंदर हमने, अब हम चैप्टर 1 पे है, कल हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे, ठीक
चैप्टर वन में टीचिंग की डेफिनेशन, अब आप कोई भी डेफिनेशन को पढ़ोगे ना टीचिंग की, आपको सारी डेफिनेशंस क्लियर हो जाएंगे, अपने आप कर पाओगे। कंसेप्ट ऑफ टीचिंग हमने पढ़ा था, नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने पढ़ा था कि नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखो टीचिंग क्या है, सोशल एक्टिविटी है ना, कि भाई हम सोशली काम करते हैं। टीचिंग अगर सोशल एक्टिविटी नहीं होती तो आज हमारे समाज का या हम सब का, हम से ही तो एक सोशल सोशल बनते हैं ना, समाज बनते हैं, वो पॉसिबल ही नहीं होता। हम वही है ना, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में बता नहीं सकती, फिर मैं डिटेल में चली जाती हूँ। तो ये देखना कि टीचिंग क्या है, सोशल एक्टिविटी है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है, इसके अंदर बहुत सारे एक्शन इंक्लूड होते हैं, एक्शन होंगे तभी आपकी लर्निंग होगी। ये आर्ट भी है और साइंस भी है। साइंस मतलब सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, है ना, साइंटिफिक मेथड को यूज किया जाता है। आर्ट एक स्किल होती है टीचर के अंदर कि वो आपको कितने आसानी से कोई चीज समझा पाता है। फेस टू फेस किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर ऑब्जर्व करते हैं, मेजरेबल करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। ये ट्रेनिंग, अब देखो यहाँ पे आपको समझ आएगा, अब ये पॉइंट समझ आएगा कि ये किसकी फॉर्म है, ट्रेनिंग की, कंडीशनिंग की, इंस्ट्रक्शन की, इंडोक्ट्रिनेशन की। उस टाइम पे आपको शायद ये नहीं समझ आया होगा, लेकिन अब समझ पाओगे आप। कहाँ से जाते हैं हम यहाँ पे, मेमोरी लेवल से रिफ्लेक्टिव लेवल की तरफ जाते हैं, ठीक है। शेप करते हैं ऑब्जर्वेशन को, प्रिस्क्राइब करने का काम करते हैं, ट्राईपोलर प्रोसेस है, लिंग्विस्टिक प्रोसेस है, भाषा का यूज किया जाता है, लर्निंग को एनकरेजमेंट मिलती है, फैसिलेट करती है लर्निंग, गाइडेंस प्रोवाइड होती है, यहाँ पे हम गाइड कर पाते हैं, ठीक है। इंटरेक्टिव प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग सिचुएशन है। कितना आसान हो जाता है एक बार समझने के बाद, सिर्फ पढ़ना ही है, फिर तो हमें पता है। अब कोई आपको बोल देना कि भाई ये बताओ प्रिस्क्राइब कैसे करती है, एक टीचिंग का ये नेचर कैसे है कि वो प्रिस्क्रिप्शन करती है, तो आप बता दोगे प्रिस्क्राइब करना। हम किसी की बताते हैं ना कि भाई आपने किस लेवल तक अपना काम कर लिया, क्या कमी है, आपको ये करना है, अभी ये नहीं करना, तो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर वही चीज आ जाती है। मैम ये ट्राइपोलर का मतलब है टीचर लर्नर और प्रोसेस ऑफ टीचिंग, वही है ना, तीन ट्राइपोलर मटेरियल आ जाएगा ना थर्ड पर्सन में। हाँ जी हाँ जी, थर्ड के अंदर बिल्कुल मटेरियल आएगा, थर्ड के अंदर टीचर होगा, स्टूडेंट होगा, और जो भी उनका मटेरियल, जिस तरीके से वो थर्ड मटेरियल के बिना टीचर और स्टूडेंट इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, कोई टॉपिक ही नहीं होगा, मतलब टॉपिक सब्जेक्ट मटेरियल वो आपकी थर्ड चीज के अंदर आएगी। फंक्शन ऑफ टीचिंग वेरिएबल, तीन वेरिएबल पढ़े थे हमने, डिपेंडेंट वेरिएबल था, इंडिपेंडेंट था, और एक क्या था, इंटरवेनिंग, ठीक है। तो इनके हमने फंक्शन पढ़े थे, डायग्नोस्टिक फंक्शन, प्रिस्क्राइब करना, इवेलुएट करना। इनको देखते हैं एक बार क्या है। देखो डायग्नोस्टिक फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, जो स्टूडेंट है, लर्नर है, उसके बिहेवियर को नोटिस करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में। फिर हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि भाई हम अपने एजुकेशन ऑब्जेक्टिव को भी बनाते हैं। डायग्नोस के अंदर हम अपने ऑब्जेक्टिव को बना, ये देखो डायग्नोस्टिक फंक्शन ना जो टीचिंग का फेज वन है, लगभग सेम है, ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो दोनों के अंदर सेम सेम चीजें हैं, लेकिन बस वर्ड अलग है कि डायग्नोस करना है, हमें पहचानना है। और प्री के अंदर हम प्रिपरेशन भी करते हैं यहाँ पे, इसके अंदर शायद हम प्रिपरेशन पे इतना ध्यान नहीं देते डायग्नोस के अंदर, ठीक है। डायग्नोस के अंदर हम बस ये देखते हैं, या देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सेस वन सेल्फ इन टर्म ऑफ टूल ऑफ लर्निंग। अब ये वही बात होगी, डायग्नोस करना, यहाँ पे टीचर किस किस को कौन कौन डायग्नोस करते हैं, मैंने आपको बताया था, टीचर स्टूडेंट को करेगा, टीचर अपने आप को भी करेगा, स्टूडेंट स्टूडेंट को भी करेगा, और स्टूडेंट किसको करेगा, टीचर को भी करेगा, है ना। तो ये यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे, मैं अगर दोबारा पढ़ाऊंगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। प्रिस्क्रिप्टिव ऑफ इवेलुएटिंग फंक्शन, प्रिस्क्रिप्टिव के अंदर क्या है, दो दो लाइन के टॉपिक है ये, उस टाइम पे आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, अब आप पढ़ोगे ना तो ये बोलोगे कि यहाँ इतना छोटा सा टॉपिक है क्या ये, किसमें क्या करते हो, प्रिस्क्राइब करने के अंदर क्या करते हो कि भाई कंटेंट उनको ऑर्गेनाइज करते हो, आप बताते हो टीचिंग टेक्निक्स के अंदर, ठीक है, ये सब काम करते हो आप। स्टूडेंट रिमेन, इसके अंदर इवेलुएशन के अंदर क्या होता है कि भाई इवेलुएशन के अंदर क्या होता है कि टीचर के कंपैरिजन में स्टूडेंट ज्यादा एक्टिव रहते हैं,
ठीक है, दे हैव टू रिस्पोंड एंड इवेलुएट द प्रोग्रेस इन अ टर्म ऑफ एबिलिटी। वो क्या करते हैं, वो रिस्पोंड करते हैं, ठीक है, इवेलुएट करते हैं द प्रोसेस इन टर्म ऑफ एबिलिटीज एक्वायर्ड एंड बिहेवियर चेंज। भाई उन्होंने कितना इवेलुएशन के अंदर वो अपने आप रिस्पोंड भी करते हैं, वो देखते भी है कि उनकी एबिलिटी के अंदर कितना चेंज हुआ है, कितना उसके बिहेवियर में चेंज हुआ है, क्या क्या उसने एबिलिटीज को गेन किया है, एबिलिटी एक्वायर्ड, कितनी एबिलिटी को उसने एक्वायर किया है। फेज क्या है, प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव, पोस्ट एक्टिव, इनके काम क्या है देख लेते हैं। प्री एक्टिव का मतलब क्या है कि आप प्लानिंग करते हो क्लास में जाने से पहले, क्लास में जाने से पहले आप जितने भी तरीके की प्लानिंग करते हो वो प्री एक्टिव में आती है। क्लास में जाने से पहले आप क्या क्या करते हो कि आप देखते हो कि हमारा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हो आप, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, आप किस तरीके के स्ट्रेटेजी एंड मेडोलॉजी को यूज करोगे, है ना, ये भी आप चेक करते हो। टीचिंग एड्स आपको कैसे यूज करने हैं आप ये भी पता करते हो। आप सब्जेक्ट जो भी आपका, जो आप पढ़ाने वाले हो उसका सिलेक्शन करते हो, उसको एक पैटर्न में ऑर्गेनाइज करते हो, ये देखते हो कि जो आपने सिलेबस डिसाइड किया है क्या वो टीचिंग और प्रिंसिपल्स को, जो आपके टीचिंग के प्रिंसिपल है या जो मैक्सिमा है, आप देखो यहाँ से समझ आएगा आपको तो, कि टीचिंग मैक्सिमा हमने कल पढ़ लिया था, प्रिंसिपल हमने पढ़े थे ना, जो टीचिंग प्रिंसिपल और मैक्सिमम क्या थे, क्या वो उसको जस्टिफाई करता है कि नहीं करता जो आपने ऑर्गेनाइज किया है, क्या ऑर्गेनाइजेशन इसी लेवल से है कि आपने प्रिंसिपल्स जो मैक्सिमा है टीचिंग के उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, क्या आपने ऑर्गेनाइजेशन ऐसे किया है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हो आप, ठीक है, वॉल से आप कहाँ की तरफ जा रहे हो, पार्ट्स की तरफ जा रहे हो, इनडेफिनेट से डेफिनेट की तरफ जा रहे हो, ठीक है। फिर हम इसमें क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड, मेथड का भी सिलेक्शन करते हैं। और इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यूज ऑफ इवेल्युएशन टूल्स। अब हमें जो लास्ट में बच्चों को ये पता करना है कि हमारे जो हमने करवाया है वो उनको कितना यूजफुल रहा है, तो उसके लिए जो टूल्स भी हम यूज करेंगे वो भी हम डायग्नोस्टिक फंक्शन में डिसाइड करते हैं कि मेरे को टेस्ट किस तरीके से लेना है बच्चों का, ठीक है। इंटरेक्टिव के अंदर क्या करते हो आप, इंटरेक्टिव मतलब क्लास के दौरान, क्लास के दौरान आप क्या करते हो, सबसे पहले तो क्लास का साइज देखते हो कि बच्चे कितने हैं, बच्चों के अंदर कंसंट्रेशन पावर है, उनका हेल्पिंग मूड है कि नहीं है, आज वो आपको आपकी टीचिंग में साथ देंगे या नहीं देंगे, या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, अगर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले बच्चे हैं तो उनको थोड़ा अलग कर दो, ठीक है। फिर तुम लर्नर के बारे में जानने की कोशिश करते हो कि उनको प्रीवियस नॉलेज कितनी है, उनको इस टॉपिक के बारे में पहले कुछ पता है या नहीं पता, ठीक है। फिर आप टीचिंग शुरू करते हो, पहले तो आप खुद कुछ करवाते हो, है ना, पहले तो आपने खुद स्टार्ट किया, फिर आप बच्चों से रिस्पॉन्स लेते हो, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ये क्या है, एक वर्बल इंट्रैक्शन है, क्या होता है, वर्बल इंट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट है कि पोस्ट एक्टिव, पोस्ट एक्टिव के अंदर क्या है, कुछ नहीं है, इवेल्युएशन का काम करते हो आप, ऑब्जर्व करते हो, टेस्ट लेते हो, है ना, क्वेश्चन आयर करते हो, कोई भी तरीके का जो भी आपने टूल यूज करना है अपने लर्नर के बिहेवियर को देखने के लिए, कितना बिहेवियर में चेंज हुआ है, बस ये था पोस्ट एक्टिव। तो देखो कितना आसान है, कुछ भी नहीं है, है ना। क्या था हमारे फंक्शन, क्या थे, तीन वेरिएबल थे, तीन वेरिएबल के फंक्शन थे डायग्नोस करना, प्रिस्क्रिप्टिव और इवेल्युएटिव, ठीक है। फिर क्या थे आपके फेज ऑफ टीचिंग, प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव, पोस्ट एक्टिव, कुछ भी नहीं है इसमें। उसके बाद क्या था, कंडीशनिंग क्या होती है, कंडीशनिंग का बस सिर्फ आप इतना मतलब याद रखो कि कंडीशनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, कंडीशनिंग के अंदर क्या किया जाता है, मैनी ऑफ द एनिमल ह्यूमन बींग मे बी टॉट टू द रिस्पॉन्ड सिग्नल अलार्म साइन वार्निंग थ्रू द कंडीशनिंग। भी कंडीशनिंग के अंदर किसी के बिहेवियर में किसी की हैबिट को जनरेट करना होता है, किसी की आदत को जनरेट करना होता है, ठीक है, किसी पर्सन के अंदर कोई एक नई तरीके की हैबिट क्रिएट करते हैं, किसी के व्यवहार को, व्यवहार का निर्माण करते हैं, ठीक है, जैसे बच्चों के बच्चों को की जाती है ना, किसी भी चीज की, मतलब बच्चों को बोलते हैं ना कि हेलो बच्चे ऐसे ऐसे हाथ हिलाओ, इसका मतलब होता है हेलो, हाथ जोड़ो, नमस्कार करो, है ना, छोटी छोटी चीजें जो हम सिखाते हैं वो कंडीशनिंग होती है। अगर आप बस ये टेबल कर लोगे कंडीशनिंग की तो बड़े आसानी से आपको कंडीशनिंग का मतलब क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही आपका ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के अंदर क्या करते हैं, ट्रेनिंग सबसेट होता है,
है ना, टीचिंग का सबसेट होता है। ट्रेनिंग टीचिंग के अंदर तो हम थ्योरी पोर्शन पे काम करते हैं और ट्रेनिंग ज्यादातर प्रैक्टिकल होती है सारी की सारी, ठीक है। टीचिंग के अंदर हम माइंड को फिल करने का काम करते हैं नॉलेज के साथ, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, उस माइंड के अंदर जो नॉलेज फिल की है उसको एक शेप देते हैं हैबिट की, कि भाई आप वो काम जो ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपके अंदर वो स्किल आ जाए। ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, ट्रेनिंग की जगह यहाँ पे टीचिंग करना है आपको। टीचिंग एजुकेशन नॉलेज के ऊपर क्या डालती है, फोकस करती है, ठीक है। ये मैंने आपको लाइन ठीक करवाई थी, आपने वो करी होगी ना वीडियो में, देख लेना। और जो ट्रेनिंग है वो क्या करती है आपका, ट्रेनिंग आपको प्रैक्टिकल नॉलेज पे काम करते हैं, जिससे आपकी जो विजडम है वो लंबे टाइम तक वो आपकी नॉलेज वहां पे रहती है, ठीक है। ये आपका ट्रेनिंग था, ऐसी है, ट्रेनिंग करोगे बहुत आसानी से हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन क्या है, ट्रेनिंग में तो फिर भी बच्चा थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, स्टूडेंट थोड़ा इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का मतलब ये क्या होगा कि मैंने किसी को ऑर्डर दिया है, मैं किसी को इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ कि तेरे को ये स्टेप फॉलो करने हैं, तो वो उसको करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे तो स्टूडेंट बिल्कुल ही क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, वो कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। यहाँ पे बिल्कुल डेमोक्रेटिक मेथड होता है, ठीक है, पढ़ के देखना आ जाएगा आपको समझ। इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है, देखो ये इंडोक्ट्रिनेशन ना हाई लेवल का हो गया है ना, सबसे ऊपर आता है ये। इसके अंदर क्या होता है, किसी के बिलीफ को चेंज करना है ना, किसी के अंदर किसी भी फेथ को, बिलीफ को, एक तरीके से नए बिलीफ को क्या करना है, जन्म देना है, ठीक है। किसी के विचार को चेंज करना, किसी की भावनाओं को नहीं, किसी के विचार को चेंज करना है। यहाँ पे किसी के व्यवहार को बदलने का हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। और ये इंडोक्ट्रिनेशन से तो एक तरीके से ये लगा लो कि आप धर्म वगैरह पे बात कर रहे हो, है ना, किसी के फेथ, किसी ने एक चीज पे विश्वास कर रखा है, लेकिन आप वो विश्वास चेंज करके आप ये बोलते हो कि भाई तो इस चीज पे विश्वास ना कर, तो इस चीज पे विश्वास कर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये देखो ये याद रखना, यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इसका टाइम क्या होता है, लिमिट होता है। इंडोक्ट्रिनेशन के अंदर टाइम लिमिटेड होता है, और एक फिक्स होता है कि आपको बस सिर्फ ये करवाना है, लेकिन टीचिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। टीचिंग तो लाइफ टाइम चलती है आपकी, और एक टीचिंग में आप ये भी कर लेना, वैसे क्वेश्चन बड़ा आसान है, यहाँ से करने की जरूरत नहीं आपको, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, ठीक है, आप ये भी करना। तो ये आप पॉइंट्स पढ़ोगे तो हो जाएगा आपके अंदर। यहाँ पे ये ध्यान रखना सिर्फ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाइस्ड और अनबाइस्ड वाला पॉइंट। बायस कैसे है, इंडोक्ट्रिनेशन तो सिर्फ अपने धर्म की या अपने टॉपिक की बात करेगा कि भाई यही टॉपिक है, बाकी तो कोई भी टॉपिक एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेकिन लेकिन टीचिंग क्या करता है, टीचिंग तो हर टॉपिक को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है, हर एक के साइंटिफिक मेथड पे जाता है, लेकिन यहाँ पे साइंटिफिक तरीके पे कोई विश्वास नहीं करता, सिर्फ यहाँ पे क्या किया जाता है, बायसनेस दिखाई जाती है। लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, ये सिर्फ लेवल ऑफ टीचिंग। आप अगर वो जो मैंने आपको एक और पीडीएफ के अंदर सेंड किया था ना टेबल, वो टेबल कर लोगे ना आपका, वहां से हो जाएगा मेमोरी लेवल, ये थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो पॉइंट्स है ना, ये सारे पॉइंट शॉर्ट करके उस टेबल के अंदर ही गिवन है, वो टेबल पीपीटी के अंदर ऐड नहीं है, तो मैं आपको बाद में करवाती हूँ। ये आपका मेमोरी लेवल था, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी ऐसे ही आप कर लोगे, वो टेबल से करेंगे हम। इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग, ये कोई जरूरी नहीं है टॉपिक, इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है आपका, लेकिन फिर भी मतलब आपने जब ये सारा चैप्टर कर लिया तो इसको सिर्फ रीड कर लेना, समझ लेना कि इसके अंदर क्या है, ये याद नहीं करना है आपको, ठीक है, बस सिर्फ रीड आउट करना है ये टॉपिक आपको, रीड करके, और एक हर पॉइंट का मतलब आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या बोला गया है इसके अंदर। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, ये तो हमने पढ़ा था ना, ब्लूम्स टेक्सटोनॉमी, ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो इसमें आपको याद करना है कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है, इफेक्टिव डोमेन क्या होता है, साइकोमोटर डोमेन क्या होता है। कॉग्निटिव डोमेन के लेवल, ये ग्राफ की तरफ ध्यान देना, ये जो है ना ये वाले लेवल मैं आपको बता देती हूँ, देखो जो ये लेवल है आपके,
ये सॉरी ये वाला नहीं, ये जो 3 लेवल है ये आपके लो लेवल है, ठीक है, ये है आपके हाई लेवल। ये जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाओगे ना आपका लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये सबसे कम लेवल पे आएगा। अब एक बात समझाओ मेरे को, समझो कि नॉलेज तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, है ना, मतलब चीजें तो बहुत सारे याद की जाती है, लेकिन उस याद करी हुई चीजों में से कुछ चीजों को समझा जाता है, समझने के बाद कुछ ही ऐसे होते हैं कि जो अप्लाई कर पाते हैं, अप्लाई में से भी कुछ ऐसे होंगे जो एनालाइज कर पाएंगे, एनालाइज में से भी कुछ ऐसे होंगे जो सिंथेसिस कर पाएंगे, और उसमें से भी कुछ ऐसे होंगे जो इवेल्युएशन कर पाएंगे। तो जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हो, ये एक तरीके से ये लगा लो कि 100 बच्चे थे, 100 में से 100 ने उस बुक को पढ़ा, ठीक है, 100 में से 80 बच्चों ने अंडरस्टैंड किया, 80 में से 70 या 60 बच्चों ने उसको अप्लाई किया, 60 में से भी कुछ बच्चों ने उसको पार्ट्स में डिवाइड किया, एनालाइज किया, फिर उनमें से भी कुछ बच्चे कर पाए कि उन्होंने सिंथेसिस किया, फिर उनमें से भी कुछ अपने आप को जजमेंट का काम कर पाए, अपने आप की कमियां बता पाए या इवेलुएट कर पाए खुद को, ठीक है। तो हर कोई इस तरीके से जाता है, वो डिपेंड करता है हर बच्चे की मेमोरी लेवल पे कि भाई वो कितना अपने आप को कितने अपने आप को ज्यादा ऊपर तक ले पाता है। कोई तो सिर्फ इस, अगर ऐसा हर कोई ऐसा कर पाता है तो आज के टाइम पे हर कोई साइंटिस्ट होता, लेकिन साइंटिस्ट भी कुछ गिने चुने ही बच्चे बन पाते हैं ना, तो वो क्यों कर पाते हैं, क्योंकि वो इन सभी लेवल्स पे क्या करते हैं, अपना अपना काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये देख लेना, 1956 के बाद 2001 के अंदर किस तरीके से चेंज किया गया, नॉलेज को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, रिमेम्बर के अंदर, कंप्रेहेंशन को अंडरस्टैंडिंग में, एप्लीकेशन को अप्लाई के अंदर, एनालिसिस को एनालिसिस किया गया, और जो इवेल्युएशन है उसको यहाँ पे रखा गया, और सिंथेसिस को दे दिया गया नाम क्रिएट का। ये आप समझ लो, पर अफेक्टिव डोमेन तो मतलब आपकी फीलिंग्स पे यहाँ पे हम काम करेंगे। तो इसके स्टेप क्या है कि पहले आप रिसीव करते हो, रिसीव मतलब पहले आप सुनने की इच्छा करते हो, ठीक है, फिर रिस्पोंड का मतलब क्या है कि आप पार्टिसिपेट करते हो, रिस्पोंड करने के बाद आप क्या करते हो, इन्वॉल्व होना शुरू करते हो, वैल्यू करना शुरू करते हो, फिर आप ऑर्गेनाइज करते हो, अपने खुद के आइडियाज बताते हो, कैरेक्टराइजेशन के अंदर फिर आप क्या करते हो कि वो आपका बिहेवियर बन जाता है, ठीक है। ये भी इस तरीके से हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ये लेवल जो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे हाई लेवल बढ़ता जाएगा, ये लो लेवल में आ जाएंगे और ये वाले क्या आएंगे, हाई लेवल में आएंगे। सिमिलरली साइकोमोटर डोमेन के अंदर भी इसी तरीके से है। साइकोमोटर डोमेन में क्या आएगा, सबसे पहले इमिटेशन, इमिटेशन मतलब नकल करना, मैनिपुलेशन मतलब क्या होता है कि एक पर्सन क्या करेगा, मतलब मैनिपुलेट करेगा, है ना, अपनी चीजों को चेंज कर करके देखेगा। प्रिसाइज मतलब क्या होता है कि वो एक्यूरेट अपनी जो उसने जो भी स्किल को अभी तक सीखा है, मैनिपुलेट किया है, उसके अंदर एक्यूरेसी लेके आएगा, एक मतलब परफेक्टनेस लेके आएगा। फिर आर्टिकुलेशन का मतलब होता है उस परफेक्टनेस में भी अपर लेवल की, भी अब इससे ज्यादा तो परफेक्ट हो ही नहीं सकती ये चीज, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा वो उसका बिहेवियर या उसके नेचर का पार्ट बन जाएगा। ये भी ऐसे आपको सीरीज वाइज याद करने हैं। ये क्या आ गया आपके, मैक्सिमा ऑफ टीचिंग आ गए जो हमने कल किए थे, बेसिक रिक्वायरमेंट ये आपने कल पढ़ा होगा, मैंने आपको बोला था ये पढ़ने के लिए टॉपिक, टीचर क्या है, लर्नर क्या है, एंड सब्जेक्ट क्या है, एंड एनवायरमेंट क्या है। देखो अब क्या था, कुछ भी नहीं था ना, फर्स्ट चैप्टर के अंदर कितना आसान है फर्स्ट चैप्टर। मैं अपनी वीडियो ऑन करती हूँ एंड देन मेरे को बताना आप सब। हाँ जी, कोई भी किसी को कोई दिक्कत, अब समझ आया आपको कि ये फर्स्ट चैप्टर कितना आसान है। अब थोड़ी सी घबराहट कम हुई कि हमने इतना लेंथ ही किया और अभी हम थोड़ा सा बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके में हमने कर लिया, लेवल ऑफ टीचिंग हमने कर लिया, ठीक है, 3 लेवल होते हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। ब्लूम्स क्लासिफिकेशन हमने कर लिया, ब्लूम्स में कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, इन सब के अपने अपने स्टेप हैं। फिर हमने कर लिया, क्या किया हमने उसके बाद, कंडीशनिंग किया, ट्रेनिंग किया, इंस्ट्रक्शन किया, इंडोक्ट्रिनेशन, इन सब के मतलब आपको समझ आ गए। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये होगा, उसके बाद हमने क्या किया, जो वेरिएबल थे उनके फंक्शन, डायग्नोस्टिक फंक्शन था, प्रिस्क्राइब था, इवेल्युएशन फंक्शन था। फिर हमने किया जो लेवल ऑफ टीचिंग है, प्री एक्टिव है ना, इंटरेक्टिव है और पोस्ट एक्टिव है,
बड़े आसान थे ये। उसके बाद क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स रह गए आपके, कैरेक्टरिस्टिक और नेचर, और क्या आ गया आपके उसके अंदर, मैक्सिमा आ गए, या उस लास्ट में, सबसे लास्ट में आप क्या ले लो, फॉर्मल इनफॉर्मल से थोड़े बहुत, कभी इतने आसान क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही नहीं फर्स्ट चैप्टर में से, बिल्कुल ही अगर आपका लक रहा तो इतने आसान टॉपिक में से क्वेश्चन आ जाएंगे, वरना फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो मैक्सिमम टॉपिक आते हैं वो तीन लेवल, जो स्टार्टिंग वाले तीन टॉपिक्स मैंने आपको बताया, वहां से क्वेश्चन पुट आउट कर लिए जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के बाद सेकंड चैप्टर भी है आपका, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, सिक्स्थ भी है, सिक्स्थ चैप्टर में से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन का लेवल है वो इतना आसान आएगा, ज्यादा आएगा ही नहीं। तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर का क्या कर दिया, उसको थोड़ा सा कंजर्वेटिव कर दिया, कि इतना बड़ा चैप्टर था उसको सिर्फ इतना सा हमने कर दिया, ये कुछ टॉपिक है, समझ आई आपको बात? कोई भी एक अपना माइक ऑन करके या मैसेज पे टाइप करके मेरे को बताए। हाँ जी, कौन बोल रहा है? यस मैम, यस मैम, आ गए। कितना आसान है ये, और टेंशन नहीं लेनी, एमसीक्यू क्वेश्चन हम करेंगे कल, सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन आपको एक आइडिया देने के लिए किया था कि इस तरीके से है, क्योंकि अब आप मेरे को एक बात बताओ, सिर्फ इस चैप्टर में से ना क्वेश्चन जो मैक्सिमम क्वेश्चन तीन चीजों से पूछे जाते हैं, लेवल से, क्लासिफिकेशन से, ट्रेनिंग, इंडोक्ट्रिनेशन, इन सब से, और इतने सारे चैप्टर्स में से केवल इन तीन चैप्टर्स के क्वेश्चन लेके आना एमसीक्यू क्वेश्चन पिछले सालों में आए हुए बहुत कम होते हैं ये, क्योंकि फिर उसके अंदर सिक्स चैप्टर के भी इन्वॉल्व है, ये सब थोड़ा ना छाटना, ये छाटने वाला काम बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, तो इसलिए मैं आपको ये कोशिश करती हूँ कि दो या तीन चैप्टर हो जाएं, उसके बाद दो या तीन चैप्टर के इकट्ठे हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, एंड देन आपको थोड़ा सा पता चलेगा। कल मैं फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन इसलिए लेके आई थी ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ आई बात? हाँ जी, किसी और का कोई और क्वेश्चन?